वेलकम टू चैनल पोसो 11। तो गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच T20 मुकाबला खेला जाएगा, इसमें प्लेइंग 11 कैसी रहने वाली है, टीम में कोई अपडेट तो नहीं है। लास्ट टाइम आपको अपनी फैंसी टीम भी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करता हूँ दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों न्यूजीलैंड से डेवन कॉनबे, फिन एलन, टिम सेफर्ड, डेर मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिशेल सेंटनर जो कि दोस्तों कैप्टन है न्यूजीलैंड के, मैट हेनरी, टिम साउदी, लॉकी फर्गुसन, एस सॉडी। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि न्यूजीलैंड की तरफ से प्लेइंग 11 रही है। बात करता हूँ फ्रेंड्स पाकिस्तान की तरफ से प्लेइंग 11 की, मोहम्मद रिजवान, सेम अयूब, बाबर आजम, फकत जमान, आजम खान, अफ्तिकार अहमद, मोहम्मद नवाज, साइन साफरीदी जो कि दोस्तों कैप्टन है पाकिस्तान के, जमन खान, हरीश रौफ एंड मोहम्मद वसीम। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो। बात करें स्टेडियम की अभी तक की स्कोर रिकॉर्ड की, तो टोटल मैच जो कि 11 हुए हैं, बैटिंग पहले किए उन्होंने यहाँ पर 5 मुकाबले विन किए हैं, बॉलिंग पहले किए उन्होंने यहाँ पर 6 मुकाबले विन किए हैं। फ्रेंड जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है वो दोस्तों 164 रहा है एंड सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 134 रहा है। हाइस्ट टोटल अभी तक का इस टीम का रिकॉर्ड है 285 विकेट के साथ एंड लोवेस्ट टोटल 32-10 विकेट के साथ। हाईएस्ट जो स्कोर हुआ है 177-3 विकेट के साथ हुआ है एंड लोवेस्ट इवेंटेड 167-5 विकेट के साथ। मैच वो की बात करूँ उससे पहले बता दूं दोस्तों इस मैच में जो कि 10,000 रुपये का फ्री गिवअवे रखा गया है। तो अभी तक भी आपने पोसो 11 ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जैसे प्ले स्टोर पर जाइए, आप पोसो 11 सर्च करिए, आप वहाँ से पोसो 11 ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो आपको 1,000 रुपये का एंड सेकंड रैंक लाते हो आपको 500 रुपये का एंड थर्ड रैंक लाते हो आपको 300 रुपये तक का फ्री गिवअवे दिया जाएगा। बात करते हो फ्रेंड्स टीम 11 प्रेडिक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दूं न्यूजीलैंड जो कि गुड फॉर्म में है इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। एंड टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ आज का टॉस से कौन जीत सकता है, अकॉर्डिंग टू द पोसो 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन आज का टॉस से पाकिस्तान टॉस जीत सकते हैं। फ्रेंड्स पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकते हैं। मैच एक्सपर्ट वाइज की बात करूँ तो दोस्तों फिन एलन को आप एज ए स्मॉल लीग में कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो एंड टिम साउदी को एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। बात करूँ एटवर्ड मुकाबले की, न्यूजीलैंड जो कि 16 एटवर्ड मुकाबला बॉन किया है एंड वहीं पाकिस्तान 20 एटवर्ड मुकाबला बॉन किया है। लाइव टेलीकास्ट अमेजन प्राइम पर आप देख सकते हो। फैंटेसी टिप्स की बात करूं तो टॉप ऑर्डर बैटर आप पिक कर सकते हो एंड डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग कराए उनके लास्ट विकेट लेने के चांस ज़्यादा बन सकते हैं। विकेट कीपर में डेवन कॉन भी आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे एंड पिच जो कि दोस्तों पेसर और स्पिनर्स को इस पिच पर ज़्यादा मदद मिल सकती है। विनिंग प्रेडिक्शन की बात करूँ तो दोस्तों न्यूजीलैंड टीम ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है जब पाकिस्तान टीम से, जो अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर न्यूजीलैंड के आप पिक कर सकते हो। मुख्य खिलाड़ी जो कि न्यूजीलैंड की तरफ से रहे हैं फैंस डेवन कॉनवे, फिन एलन, ड्रिल मिसेल, मिसेल सेंटनर, मैट हेनरी एंड टिम साउदी। दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हैं जो कि न्यूजीलैंड की तरफ से मुख्य खिलाड़ी रहे हैं। अब करो फ्रेंड्स मुख्य खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान की तरफ से रहे हैं, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फकत जमान, आजम खान, अफ्तिकार अहमद, मोहम्मद नवाज, साइन साफरीदी, हरीश रौफ एंड मोहम्मद वसीम। दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो पाकिस्तान की तरफ से मुख्य खिलाड़ी रहे हैं। बेस्ट परफॉर्मर जो कि अभी तक न्यूजीलैंड की तरफ से रहे हैं डेवन कॉनवे, फिन एलन, टिम सेफर्ड, डेर मिसेल, ग्लेन फिलिप्स। दोस्तों आप ये वेस्ट ओवर देख सकते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से वेस्ट ओवर रहे हैं। बात करो मैं वेस्ट ओवर जो कि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से रहे हैं, मोहम्मद रिजवान, सेम अयूब, बाबर आजम, फकत जमान एंड आजम खान। दोस्तों आप वेस्ट ओवर देख सकते हो पाकिस्तान की तरफ से बेस्ट ओवर रहे हैं। बात करूँ फ्रेंड्स कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, तो दोस्तों डेवन कॉनवे को एज ए वाइस कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो एंड टिम साउदी को एज ए कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। बाबर आजम एज ए वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको जरूर ट्राई कर सकते हो एंड फ्रेंड्स फकत जमान को एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। इंजर्ड की बात करूँ कोई भी इंजर्ड अपडेट नहीं आया एंड अपनी फैंटेसी टीम की बात करूँ तो दोस्तों विकेट कीपर में मोहम्मद रिजवान, डेवन कॉनवे को आप सेलेक्ट कर सकते हो, बैट्समैन में बाबर आजम, जमान एंड फिन एलन को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, ऑलराउंडर में मिसेल सेंटर, अफ्तिकार अहमद एंड डेविड मिसेल को दोस्तों अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो, बॉलर में साइन साफरीदी, मैट हेनरी एंड जैड खान को अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ कैप्टन आप बाबर आजम को बना सकते हो, वाइस कैप्टन आप फिन एलन को अपनी टीम में वाइस कैप्टन बना सकते हो। फ्रेंड्स वही हमारा फाइनल अपडेट होगा एंड फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए एंड आप चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली इस वीडियो में फिक्स वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे पोसो 11 चैनल की तरफ से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।